देखो बेटा, हमने पढ़ना है आज ड्रग अफेक्टिंग दी सीएनएस। आपको पता है कि सीएनएस स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कि मतलब कुछ ऐसी अद्वियात है जो डायरेक्टली आपके दिमाग को अफेक्ट करती हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोनों आ जाते हैं, सिर्फ दिमाग नहीं आता, इसमें स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाती है, ठीक है ना। दोनों पार्ट आ जाते हैं आपके ब्रेन में ना, सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सीएनएस में आपका ब्रेन भी आता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी होती है। ड्रग एक्टिंग ऑन द सीएनएस मे बी सीएनएस डिप्रेसेंट, यानी वो सीएनएस को डिप्रेस भी कर सकती हैं और सीएनएस स्टिमुलेंट भी होती है, ठीक है ना। सीएनएस के काम करने के अमल को स्लो भी कर सकती हैं और सीएनएस के काम करने के अमल को बढ़ा भी सकती हैं, वो स्टिमुलेंट कहलाती हैं, जो वर्किंग को बढ़ाती हैं, जो डिप्रेस करती हैं। डिप्रेसेंट आर मोर इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकली एंड थेरापटिकली। थेरापटिकली डिप्रेसेंट ज्यादा, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जब स्ट्रेस होती है ना तो ये यूज होते हैं। मोस्ट ऑफ द ड्रग दैट अफेक्ट द सीएनएस आर बाय अल्टरिंग सम स्टेप इन न्यूरो ट्रांसमिशन। जो न्यूरो ट्रांसमिशन होते हैं ना, उसमें थोड़ी बहुत रद्दोबदल करते हैं, उस रद्दोबदल करके फिर हम दिमाग की खसूसियात को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये कैसे होगा, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले जो है ना बेटा, वो होती है न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज, ठीक है ना। उसमें सबसे पहली बीमारी होती है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन के खिलाफ एक दवाई इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं लिवोडोपा। अब ये जो पार्किंसन की बीमारी होती है ना, पार्किंसन जो डिजीज होती है, इसमें ना डोपामिन प्रोड्यूस नहीं होती, डोपामिन प्रोड्यूस नहीं होती, डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है। और जो डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं ना, डोपामिन वो डैमेज हो जाते हैं, इसलिए इस बीमारी को डीजनरेटिव डिजीज कहा गया। डीजनरेटिव का मतलब होता है टूटना, तोड़ना या टूट जाना, टूटना के सेल टूट जाते हैं। कुछ दिमाग के वो सेल जो डोपामिन पैदा कर रहे थे वो टूट गए, तो अब बाहर से बनी हुई सिंथेटिक डोपामिन दी जाती है, जो कि लिवोडोपा की शक्ल में यूज होती है। ये लिखा हुआ ना कि इट इज अ मेटाबॉलिक प्रिकर्सर, मतलब ये दिमाग में जाके डोपामिन में बदल जाएगी, ठीक है। ये इसीलिए लिखा हुआ मेटाबॉलिक प्रिकर्सर है कि इसने टूट के डोपामिन बनानी है। ये दिमाग में जो रिजिडिटी होती है, सख्तपन होता है, उसको कम करती है, जो दौरे पड़ते हैं उसको कम करती है, और पार्किंसोनिज्म के जो जो अलामत होते हैं ना, इसको ना राशा की बीमारी कहा जाता है। बुजुर्ग के हाथ कांपते हैं, कभी देखोगे ना कोई बुजुर्ग आदमी, उसे आप हैंड शेक करेंगे, हाथ मिलाएंगे, उसका हाथ कांप रहा होगा। ये जो हाथ कांप रहा होता है ना, ये पार्किंसन बीमारी होती है, और ये डोपामिन की कमी की वजह से होती है। ये ना इनसफिशिएंट डोपामिन होता है। ये अभी मैंने बताया ना कि डोपामिन नहीं है दिमाग में, दिमाग डोपामिन बनाने की कोशिश करता है लेकिन वो बन नहीं रही होती, इसलिए बाहर से सिंथेटिक डोपामिन यूज होती है। ये ब्रांड नेम है जो मार्केट में अवेलेबल है, लिवोडोपा के नाम से आता है। अब डोपामिन की शक्ल में ना, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। ये क्या है, चिकनाई की एक तह है जो चीजों को दिमाग में
जाने से रोकती है। ब्लड ब्रेन बैरियर ना ये है, एक चिकनाई की बनी हुई एक तय है जो जाने नहीं देती हर चीज को, अलाउ नहीं करती, ये गेट है। या यूं ले लें ये सिक्योरिटी गेट है, हर चीज को अलाउ नहीं करेगी कि चले जाओ। तो ये डोपामिन की शक्ल में ब्लड ब्रेन दिमाग में जा ही नहीं सकती। फिर हम क्या करते हैं, हम इसको बनाते हैं लीवोडोपा, हम इसको लीवोडोपा बनाते हैं, फिर ये जाएगी दिमाग में, ठीक है ना। और दिमाग में जाके लीवोडोपा, मैंने लिखा ना, दिमाग में जाकर लीवोडोपा डोपामिन में बदल जाती है, क्योंकि डोपामिन खुद दिमाग में नहीं जा सकती। ये लीवोडोपा कार्बिडोपा के साथ मिलकर इस्तेमाल होती है, आजकल मार्केट में यही अवेलेबल है, ये पार्किंसन डिजीज के इलाज के लिए। ये ना कुछ साल तक कवर कर देता प्रॉब्लम, काफी हद तक प्रॉब्लम कवर हो जाता है, ठीक है। इसको बेटा ये टैबलेट या कैप्सूल की शक्ल में इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि ये छोटी आंत से जज्ब हो जाती है। इसको खाली मैदा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये मैदे को नुकसान पहुंचा सकती है। और ये तकरीबन 1 से 2 घंटे इसकी हाफ लाइफ है, यानी ये आधी दवाई 1 से 2 घंटे में इस्तेमाल हो जाती है। टेकीकार्डिया इसका मुदर असर आता है, दिल की धड़कन का तेज होना, दिल की धड़कन तेज होना, मतली, उल्टी, ब्लड प्रेशर में कमी, ब्राउनिश कलर ऑफ सलाइवा, थूक का रंग ब्राउन हो जाएगा, रंग बदल जाएगा, और पेशाब का भी, यूरिन का भी ऐसे ही होगा। सीएनएस में एबनॉर्मल मूवमेंट होगी, अचानक से मूड चेंज हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, परेशानी आ जाती है, डिप्रेशन का मामला आ जाता है। ये बेटे आपने पढ़ना है, आज का यहीं तक।